फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाइप वन पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास, मान लो, सपोज करो कि ये ट्रायंगल दे रखी है नंबर वन। इस ट्रायंगल के अंदर हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। सेकंड एग्जांपल ये दे रखा है आपके पास, हमें यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। तो फ्रेंड्स, क्या हम यहाँ पे ट्रायंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे देखो, ये हो गई ट्रायंगल वन, ये होगी टू और ये होगी थ्री। यहाँ पे भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे, वन, ये टू, यहाँ तक थ्री, फोर, फाइव, फिर इन दोनों से सिक्स, इन तीनों को सेवन। इस तरह से काफ़ी डिफिकल्ट होती चली जाएगी। तो हम विदाउट कैलकुलेशन हम इन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने का एक मेथड सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और हर कोई इसे बहुत ही इजीली फॉलो कर सकता है। देखो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो बेस है ना, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में। देखो, यहाँ पे हम बेस के पास से हम नंबरिंग करेंगे इन ट्रायंगल्स की, वन टू। हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने, हम कैसे लिखेंगे? देखो, ये वन और टू है ना, इनको हमें ऐड करना है, वन प्लस टू दैट इज इक्वल टू थ्री। फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये एक ट्राइंगल होगी, एक ये दूसरी और ये तीसरी, तो हमारे पास तीन ट्राइंगल ही होती है टोटल, और तीन ही हमारा आंसर आया। ऐसे ही अब हम इसके अंदर निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है अब हमारे पास है। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, यानी इस ट्राइंगल का बेस फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें इन सबको ऐड करना होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ये कितनी हो जाएंगी? फिफ्टीन ट्रायंगल्स। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं टाइप टू के ऊपर। टाइप टू के अंदर क्या है हमारे पास, सपोज करो आप एक ट्रायंगल दे रखी है ये, और इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक पार्टीशन यहाँ से ये दे रखा है। इसके अंदर अब हमारे पास नंबरिंग करेंगे हम, वन टू थ्री, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, टोटल कितनी हो जाएगी? थ्री और टू फाइव और वन सिक्स हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, एक वन और एक टू पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड किया गया है। तो हमें क्या करना होता है, इस सिक्स को हम कैसे करते हैं, सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी? ट्वेल्व ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक अदर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, मान लो वन, ये टू और ये थ्री, ठीक है। देखो, वन टू थ्री फोर, इस ट्राइंगल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ऐसे। अब देखो हमें क्या करना होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए, इनको एडिशन करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, क्या हो जाएगा? चार और तीन सात, सात और दो नौ और एक दस हो गए हमारे पास। अब इधर से हम इसको देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन टू और थ्री। तो हमें क्या करना होता है, ये टेन मल्टीप्लाई बाई थ्री, ये आ जाएगा थर्टी। ये थर्टी क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आते हैं टाइप थ्री के अंदर। टाइप थ्री के अंदर क्या है फ्रेंड्स, देखो हमारे पास, मान लो ये ट्राइंगल दे रखी है एक, ये कैसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर हमें कैसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है एक, ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखी है। अब इनके अंदर तो सिंपल लाइनिंग थी कंप्लीट के अंदर, तो हमने यहाँ पे वन टू थ्री काउंट कर लिया, हमने सीधे उससे मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन इसके अंदर तो कम्प्लीट का नहीं है। तो इसके अंदर हम कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के अंदर, सबसे पहले हम यहाँ से एडिशन करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होगी, फाइव फोर थ्री टू वन, तो यही वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, टोटल कितने आ जाते हैं, फिफ्टीन। यहाँ से देखो अभी, वन टू थ्री, क्या हो जाएगी, थ्री और टू फाइव और वन सिक्स,
अब यहाँ से देख लेंगे, वन और टू, यहाँ से ट्राइंगल कितनी आएंगी, थ्री, और यहाँ से कितनी आई, वन, तो ये वन। अब हमें क्या करना होता है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, कैसे करेंगे, ये 15 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 1, कितनी हो जाएंगे 25, ठीक है, ट्राइंगल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं टाइप फोर में क्या होता है, मान लो हमें ये ट्राइंगल दे रखी है एक, इस ट्राइंगल के अंदर ये है हमारे पास दूसरी ट्राइंगल, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर एक और ऐसे ट्राइंगल दे रखी है। अब इसके अंदर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे काउंट करने बैठेंगे तो हम कैसे काउंट करें, देखो जैसे वन, ये टू बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी ट्राइंगल्स भी बनेंगी, इससे यहाँ से भी बनेंगी ये वाली ट्राइंगल्स, ठीक है, यहाँ से ये जो ट्राइंगल कंप्लीट भी बनेगी। तो इस तरह से काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगी इनको कैलकुलेट करना। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, हम जो बिगर ट्राइंगल होती है, बिगर वन, उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, वन, और वैल्यू ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स क्या होंगे, फोर। यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल्स कौन सी होगी, जो इस कंप्लीट जो बिगर ट्राइंगल है इसके अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स होती हैं उन सब ट्राइंगल्स को हम स्मॉलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। या फिर हमें ये याद रखना है कि ये जो ट्राइंगल्स होती हैं ये इसके टच कर रही होती हैं इनकी सारी साइड्स को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी ट्राइंगल्स होगी, देखो बिगर की कितनी वैल्यू, वन, अब इस वाले कितनी वैल्यू, फोर, और इस वाले कितनी वैल्यू, फोर, सबको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास कितनी आ जाएगी, फोर और फोर, एट और वन, नाइन, तो नाइन ट्राइंगल्स होंगे हमारे पास टोटल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।